Hello students, today you have your GK class and in today's video we are going to do our chapter number 23 and chapter number 32. The name of our chapter 3 is countries and their parliament. Countries और हम उनकी संसद के क्या नाम है, उनको संसद को क्या बोला जाता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. हर कंट्री के जो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं तो उनकी अपनी अपनी संसद होती है, अपनी अपनी पार्लियामेंट होती है. तो यहाँ कंट्री के नेम है और यहाँ उनकी पार्लियामेंट के नेम है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे नंबर वन पर है आपका भूटान. भूटान की कंट्री को, भूटान की पार्लियामेंट को हम बोलते हैं होगडू. नेशनल असेंबली है ये वहाँ की. ब्राज़ील की पार्लियामेंट को हम बोलते हैं कांग्रेस. न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. फोर्थ है हमारा साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल असेंबली एंड सीनेट. एंड कनाडा की पार्लियामेंट का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स एंड सीनेट. अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है हाल ओ अकुद. वहाँ की नेशनल असेंबली है ये. और यूएसए, यूएसए की हम पार्लियामेंट को बोलते हैं कांग्रेस या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट. एंड इंडिया, इंडिया की पार्लियामेंट आप लोग जानते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा है. ठीक है ना, ये हम यहाँ इसे मैच कर देंगे. फ्रांस, फ्रांस की पार्लियामेंट को बोला जाता है नेशनल असेंबली. एंड 10 है हमारा ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट को बोला जाता है फेडरल पार्लियामेंट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट. ब्रिटेन, ब्रिटेन की पार्लियामेंट को बोला जाता है पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स. ओके, जर्मनी, जर्मनी की पार्लियामेंट को बच्चों बोला जाता है, बर्नस्टेग एंड बर्नस्टेड. स्पेन की पार्लियामेंट को बोला जाता है 13, देखिए आप, कॉर्टेस जनरल्स. ओके, आपकी नॉर्वे, नॉर्वे की पार्लियामेंट को बोला जाता है स्टॉर्टिंग. ठीक है ना, स्वीडन, स्वीडन की पार्लियामेंट को बोला जाता है रिक्सडैग. ओके ना, रशिया, रशिया की पार्लियामेंट को बोला जाता है फेडरल असेंबली. नेपाल, नेपाल की पार्लियामेंट को बोला जाता है राष्ट्रीय पंचायत. ओके, ईरान, ईरान की हम बोलते हैं मजलिस. एंड जापान की पार्लियामेंट को बोला जाता है डाइट. एंड पोलैंड की पार्लियामेंट को बोला जाता है 20 हमारा सीजम. ठीक है ना, तो ये पार्लियामेंट हैं, ये कंट्रीज़ और ये पार्लियामेंट के नेम्स हैं. ओके, अब नेक्स्ट है हमारा एक्स्ट्रा डोज में देखिए. वेटिकन सिटी, द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंट्री. वेटिकन सिटी जो है दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है, हैज़ नो पार्लियामेंट, उसकी कोई पार्लियामेंट नहीं है, बट इज़ डायरेक्टली रूल्ड बाय द पॉप. और वहाँ पर डायरेक्टली कौन रूल करते हैं, पॉप, जो वहाँ के पुजारी होते हैं, मतलब कि जो वहाँ के सबसे बड़े, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी होती है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं उन्हें पॉप बोला जाता है. ठीक है ना, तो वो उसे डायरेक्टली रूल करते हैं. एंड नाउ चैप्टर नंबर 32, आवर सोलर सिस्टम. ठीक है ना, चैप्टर नंबर 32 में हम पढ़ेंगे आवर सोलर सिस्टम. गैलेक्सी इज़ अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स, डस्ट, गैस एंड डार्क मैटर्स हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी. गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी ग्रुप होती है बड़े बड़े स्टार्स, डस्ट पार्टिकल्स, गैस और जो डार्क मैटर्स होते हैं उनको सबको एक साथ, जो एक साथ इनका ग्रुप बना हुआ होता है. और वो किससे, किससे आपस में किससे इंटरेक्ट हुए होते हैं, ग्रेविटी से आपस में जुड़े होते हैं. वो किसकी वजह से जुड़े होते हैं, ग्रेविटी की वजह से. दीज स्टार्स में और मे नॉट हैव अ सिस्टम ऑफ प्लैनेट्स. इन स्टार्स में सिस्टम ऑफ प्लैनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है अपना खुद का. हमारी जो अपनी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सिस्टम ऑफ प्लैनेट्स है. अब देखिए यहाँ पर आपको ये पजल दे रखा है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ. पहले डाउन करेंगे फिर हम अक्रॉस करेंगे. तो डाउन के देखिए, द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन, वो प्लैनेट जो सबसे क्लोजेस्ट है सन के, तो उस प्लैनेट का नाम क्या है बच्चों, जो प्लैनेट सबसे क्लोजेस्ट है सन के, तो उसका नाम है मरकरी. ठीक है ना. अब सेकंड है द सन एंड ऑल द प्लैनेट दैट मूव अराउंड इट, तो उस चीज़ का नाम क्या है, सोलर सिस्टम. ठीक है ना, सन और बाकी चीज़ें चारों तरफ घूमती हैं उसके. हेवनली बॉडीज़ दैट मे अराउंड द सन, हेवनली बॉडीज़ जो कि
मूव करती हैं सन के अराउंड, तो उनको हम बोलते हैं प्लैनेट्स। एट है हमारा द मूवमेंट ऑफ द अर्थ विच कॉज डे एंड नाइट, तो वो मूवमेंट अर्थ का जिसकी वजह से दिन और रात होता है, तो उस मूवमेंट को बोला जाता है रोटेशन। द ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट हमारा अर्थ है। हम अक्रॉस वाले देखिए, द रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट किसे बोला जाता है, मार्स को बोला जाता है। दे ट्विंकल एट नाइट, रात को कौन ट्विंकल करते हैं, स्टार्स, ठीक है ना। तो यहाँ हमने स्टार्स लिख दिया है। अ पर्सन हु ट्रैवल्स इन स्पेस, जो पर्सन जो ट्रैवल करता है स्पेस में उसको क्या बोला जाता है, एस्ट्रोनॉट्स बोला जाता है। द इमेजनरी लाइन ज्वाइनिंग द टू पोल्स, जो इमेजनरी लाइन होती है दो पोल्स को जो ज्वाइन कर रही है, तो उसको उस इमेजनरी लाइन को एक्सिस बोला जाता है। अवर गैलेक्सी इज नोन बाय दिस नेम, हमारी गैलेक्सी कौन से नाम से जानी जाती है, तो मिल्की वे के नाम से जानी जाती है। और जो लार्जेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है, जुपिटर, ठीक है ना।